नमस्कार, मैं हूं बबीता और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बब्बीज किचन में। आज हम बनाएंगे पीच मोहितो। बहुत आसान है बनाना, फटाफट बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ करें शेयर और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए लिया है हमने 200 ग्राम आड़ू। आड़ू है पीच, पीच को हमने काट लेना है और छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए या रफली चॉप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कैसे भी काटिए क्योंकि हम इसे ग्राइंड करने वाले हैं। तो इसे छिलके के साथ ही काट लीजिएगा और बस बीज हमें निकालने हैं, बाकी का पूरा हिस्सा हमें यूज़ करना है। तो इसे कर लीजिए ट्रांसफ़र एक ग्राइंडर जार में और इसमें ऐड कर दीजिएगा चीनी। तो ग्राइंडर जार में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 3 बड़े चम्मच चीनी। तो चीनी इसलिए क्योंकि हम इसे बना रहे पीच का क्रश, तो एक क्रश अच्छा सा बनेगा इसमें, तो वो जो है अच्छा सा इसमें टेस्ट देगा। तो चलिए कढ़ाई रख ली है मैंने और इसको हम करेंगे कुक। तो इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी कढ़ाई में और इसके बाद इसको लगातार चलाते हुए हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो अच्छा सा बॉयल आने लगेगा, तो उसके बाद इसको थोड़ा लगातार चलाइए। चीनी इसमें पड़ी हुई है, थोड़ी देर में ही ये थोड़ा सा अपना कलर चेंज करेगा और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसे दिखने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये पक चुका है। देखिए इतने सारे बबल्स आ रहे हैं। गैस को कर दीजिए ऑफ और उसके बाद इसमें डाल दीजिएगा विनेगर। मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर। आपके पास जो नॉर्मल विनेगर है आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर का मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं अपना मोहितो तैयार करना। तो मैंने लिया है एक ग्लास, उसमें मैंने डाले हैं कटे हुए आड़ू। तो कटे हुए आड़ू जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए पुदीने के पत्ते और हम डालेंगे आधी स्लाइस नींबू की और इसको कर देंगे एक मडलर से थोड़ा थोड़ा क्रश। लेकिन आपके पास मडलर नहीं है तो आप मेरी तरह बेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से ये क्रश हो चुका है। अब हमने डाल दिया है इसमें लगभग आधा स्पून भर के लेमन जूस। तो आधा नींबू आप इसमें निचोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमने ये जो तैयार किया था हमारा पीच का क्रश, वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे ढेर सारी आइस। तो पानी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, आइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद हम डालेंगे इसमें सोडा। तो यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है प्लेन सोडा का। आप कोई भी फ्लेवर्ड सोडा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि पीच का टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, लेना है प्लेन सोडा। कोई सा भी प्लेन सोडा ले लीजिए, उसको डालिए और अच्छे से कर दीजिए मिक्स। तो हमारा ये बहुत ही रिफ्रेशिंग सा, बहुत ही टेस्टी मोहितो हो गया है तैयार। और इसे करिए इंजॉय। तो ये पीच मोहितो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारी ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो गई है तैयार। इसको हम गार्निश करते हैं पुदीने के कुछ पत्तों और लेमन स्लाइस के साथ, और साथ में हम इसमें लगाएंगे एक स्लाइस पीच की। तो बस तैयार है ये, अच्छे से इसे गार्निश कर लीजिए और सर्व करिए। ठंडा ठंडा खुद भी पीजिए और अपने मेहमानों को भी पिलाइए। तो बनकर तैयार है हमारी ये रेसिपी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ करिए इसे शेयर। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।